हेलो गाइस, आप सभी लोग जैसे जानते हो कि हम लोग कोई योजनाओं के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। गाइस, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है और साथ में यहाँ पे भी एसएससी वगैरह, एमपीपीएससी, यूपीएससी वगैरह या तो फिर आईबीपीएस, एफओ, नाबार्ड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये योजनाएं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। गाइस, सबसे पहली बात गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। गाइस, इस योजना को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, श्री माननीय विजय रूपानी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो गाइस, इसमें क्या था स्पेशली कि महिलाओं के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया गया। जी हाँ, महिलाओं के लिए स्पेशली अलग अलग ग्रुप बनाया गया। जैसे वहां पे सबसे पहली बात तो गाइस, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी महिलाएं वगैरह, स्पेशली हम बात करेंगे कि वह महिलाएं जो पूरी तरीके से एकदम मतलब घर पे ही है, या तो जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, या तो जो विधवा वगैरह महिला है, तो उन महिलाओं के लिए स्पेशली, या तो जो पूरी एकदम पुअर कंडीशन से बिलोंग करेगी, तो उन महिलाओं के लिए स्पेशली ये गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसमें जो गाइस के पेमेंट किया जाता है, मतलब जो लोन दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, विदाउट इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। स्कीम को ध्यान रखना गाइस, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भूपेन सेन फ्रॉम डायनेमिक एग्री ट्यूटोरियल से। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, तो आपकी स्क्रीन पे शो हो चुका है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। एक्चुअल में MMUY है के एक्चुअल में। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहली बात, आप यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक जरूर कीजिए, थम्सअप दीजिए। आप लोग थम्सअप नहीं देते यार, बहुत गलत बात है। थम्सअप दिया करो, आप थम्सअप नहीं देते बहुत ही गलत बात है। चलिए जल्दी से थम्सअप दीजिए सभी लोग। थम्सअप मतलब ये यहाँ पर थम्सअप बना है या ये हुई ना बात, या इसे थम्सअप दिया करो सभी लोग, बहुत बढ़िया। थम्सअप इस प्रकार से दिया करो। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की हम बात करेंगे। इस सबसे पहली बात, इस स्कीम को जो लॉन्च किया था, जिसे मैंने अभी अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, माननीय श्री विजय रूपाणी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यदि हम बात करेंगे 17 सितंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया था। तो क्या बोल रहा है कि MMUY मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना is an acronym for मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना launched by गुजरात गवर्नमेंट on 17 सितंबर 2020, है ना। इसको स्टार्ट किया गया था 17 सितंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया। विजय रूपानी ऑन संडे डिक्लेयर द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, दिस इज अ प्लान ऑफ गिविंग विदाउट इंटरेस्ट। देखो बताया ना यहाँ पे कि जो यहाँ पे मतलब इनका मेन प्लान है, इनका मेन जो उद्देश्य है कि भाई जो भी ये लोन प्रोवाइड करेंगे, भाई लोन प्रोवाइड करेगी तो विदाउट इंटरेस्ट, मतलब वहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। एडवांस टू लेडीज गैदरिंग इन द स्टेट, मतलब वहां पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो लेडीज होगी तो उस लेडीज का वहां पे गैदरिंग किया जाएगा, मतलब उनको इकट्ठा किया जाएगा इस वहां पे। और सबसे पहली बात, इस योजना में घर से सिर्फ एक ही महिला होना चाहिए, है ना, घर से सिर्फ एक ही महिला होना चाहिए। हाँ, यदि घर में मतलब अलग अलग फैमिली डिवाइडेशन है तो वहाँ पे प्रॉपरली आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, इस स्कीम की यदि हम बात करेंगे तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिविंग विदाउट इंटरेस्ट एडवांस टू लेडीज गैदरिंग इन द स्टेट एन ऑफिशियल डिलीवरी सेट द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेटिंग टू गिव इन कंप्लीट लोन 1000 करोड़। कितना दीजिएगा यहाँ पे, लगभग 1000, मतलब 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिया जाएगा। तो इनको 10 अलग अलग ग्रुपों में वहां पे बांटा जाएगा, मतलब 10 पर ग्रुप के हिसाब से दिया जाएगा इस वहां पे, मतलब टोटल यहाँ पे फंड की हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो गाइस यही बन जाता है कि बताओ इस पे जो लोन दिया जाता है कैसे दिया जाएगा, तो विदाउट इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे। कितना टोटल फंडिंग है, टोटल फंडिंग की हम बात करेंगे तो 10000 करोड़ रुपए वहां पे। इसमें क्या होगा गाइस की 10 महिलाओं के ग्रुप बनेंगे, मतलब 10 महिलाओं के ग्रुप बनेंगे वहां पे, इनको अलग अलग पूरी तरीके से डिवाइडेशन किया जाएगा। दिस गैदरिंग टू बी इनिस्टेड अ ज्वाइंट ऑब्लिगेशन एंड प्रोक्योरिंग गैदरिंग, ठीक है, जिसको जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात करेंगे। तो दी गवर्नमेंट, दी गुजरात गवर्नमेंट और वेडनेसडे डिसबर्ड 140 करोड़, है ना, 140 करोड़ रुपए इन इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब 140 करोड़ रुपए जो रहेगा वो ऐसे देगी जिसपे कोई भी वहां पे लोन नहीं दिया जाएगा। 2 14,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखना गाइस कि एस
HG, इसका नाम क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक एक्सटेंशन वगैरह में पढ़ते भी होगा आप, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम जिसे पढ़ा होगा, जैसे अल्बर्ट किसके द्वारा लाया गया था वहाँ पे, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम की बात करेंगे तो पीडी देशमुख के द्वारा लाया गया था वहाँ पे, है ना। तो सारी चीजें ये आई थिंक आप लोग जानते होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी हम बात करेंगे, ये तो ध्यान रखना है 14,000 वुमेन जो रहती है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत वहाँ पे फंड इनको यहाँ पे दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट के, अंडर द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना अ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। मतलब किसकी स्कीम है? अ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, लॉन्च द लास्ट ईयर फॉर फाइनेंशियल अपलीमेंट, है ना। अपलिफ्टमेंट मतलब जो वहाँ पे क्या मैंने उसको अपलिफ्टमेंट मिला, मतलब उसको थोड़ा वहाँ पे एनहेंस मिला वहाँ पे, ठीक है। किनको मिला मुख्य रूप से? वुमेन को मिला। तो गाइस इस योजना में हमने यहाँ पे ये देखा, इसके साथ ये योजना जो होती है, ये योजना क्या हो जाती है गाइस, हमारे यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाती है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, यदि की पॉइंट की हम बात करें, इसका की पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहली बात, इस योजना को कब लॉन्च किया गया? तो 14 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फ्री इंटरेस्ट रहता है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है गाइस, है ना। पूरी तरीके से जो भी लोन लिया जाएगा फ्री इंटरेस्ट पे। कितने ग्रुप बनेंगे महिलाओं के? 10 ग्रुप बनेंगे। 1,000 का जब डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे किया जाएगा गाइस, तो 10 10 ग्रुप में वहाँ पे 100 100 100 वहाँ पे बांट लिया जाएगा, ठीक है। तो 10 ग्रुप यहाँ पे ध्यान रखना गाइस। कितनी वुमेन के लिए हम बात करेंगे? तो 14,000 वुमेन का यहाँ पे टारगेट रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्रॉपरली, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी लॉन्च मतलब इसको बताइए गाइस। मेरा उद्देश्य प्रॉपरली यही रहता है कि इंडिया का कोई भी बच्चा हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। क्योंकि तो मेरा काम ओनली वन क्या है कि एग्रीकल्चर के जो बच्चे रहेंगे उनको वहाँ पे गाइड करना प्रॉपरली, चाहे आप एंट्रेंस का एग्जाम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉम्पिटिशन का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए गाइस, आज का वीडियो हमारा मोर देन सफिशिएंट होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।